टीवी की दुनिया में मंगलवार की सुबह एक दुख भरी खबर से हुई है। टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर ऋतुराज सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जो आखिरी बार सीरियल अनुपमा में नजर आए थे। 60 साल के ऋतुराज सिंह का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। अभिनेता ने 20 फरवरी को आखिरी सांस ली। ऋतुराज ने कई सीरियल और फिल्मों में काम किया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से वह फैंस के बीच सीरियल अनुपमा को लेकर पहचान बना रहे थे। इस शो में उनका सख्त अंदाज फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह के निधन की खबर ई टाइम्स की रिपोर्ट से सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्टर काफी समय से बीमार थे, लेकिन हार्ट अटैक के बाद वह मौत के आगे जिंदगी की जंग हार गए। एक्टर के अच्छे दोस्त अमित बहल ने उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने अपने दोस्त के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बताया है, हाँ, कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया है। उनका कुछ अग्नाशय का इलाज चल रहा था और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था, लेकिन अस्पताल से घर जाते समय उन्हें कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हुई और वह इस दुनिया को अलविदा कह दिए। बता दें कि ऋतुराज आखिरी बार सीरियल अनुपमा में नजर आए थे। वह इस सीरियल में एक रेस्टोरेंट के मालिक के रूप में दिखे थे, जहां अनुपमा काम करती थी। इस सीरियल में वह कुछ दिन पहले ही दिखे थे, लेकिन अचानक ही वह सीरियल से गायब हो गए थे। माना जा रहा था कि वह सीरियल में जल्द ही कमबैक करेंगे। फैंस भी उनके सख्त अंदाज को काफ़ी पसंद कर रहे थे, हालांकि अब वह सीरियल में नज़र नहीं आएंगे। एबीवी टीम की तरफ से ऋतुराज सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।